हेलो, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल सोनालीस कॉर्नर। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक हेयर ऑयल की रिव्यू। तो ये है गुड वाइब्स ऑनियन हेयर फॉल कंट्रोल ऑयल। इसका नेट वॉल्यूम है 100 ml, नो पैराबेन, क्रुएल्टी फ्री है। और इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स दिया हुआ है ऑनियन फील्ड विथ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड नरिशिंग प्रॉपर्टीज। ऑनियन हेल्प प्रोमोट हेयर ग्रोथ, प्रिवेंट हेयर लॉस एंड रिड्यूस ब्रेकेज, लिविंग योर हेयर लुकिंग हेल्दी, शाइनी एंड लस्ट्रस। क्रिएटेड फॉर ऑल हेयर टाइप्स। ये तेल, ये जो ऑयल है, ये आपका ऑल हेयर टाइप के लिए है। ये आप इधर लिखा हुआ है हाउ टू यूज़। सेक्शन योर हेयर इवेनली एंड मसाज द ऑयल फ्रॉम द रूट्स टू द लेंथ ऑफ योर हेयर फॉर बेटर रिजल्ट। लीव द ऑयल ओवरनाइट। और बी केयरफुल है इसमें कॉन्टेक्ट विथ आइस। और इसका जो 100 ml का बॉटल है, इसका प्राइस है 250 लिखा हुआ है, लेकिन आपको purple.com में इसको उससे भी कम में मिल जाएगा डिस्काउंट में। और इसका सेल्फ लाइफ भी होता है 2 साल के लिए। तो मैं अभी इसको अप्लाई करके आप लोगों के साथ दिखाऊंगी। तो मैंने पहले पूरे हेयर में अच्छे से इस ऑयल को लगाऊंगी, पूरे अच्छे से, क्योंकि मैं जब ऑयल लगाती हूँ तो पूरा भर भर के तेल लगाती हूँ, मुझे वो पसंद है। बहुत कोई ऐसे करते हैं कि तेल लगाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है तेल लगाने में। और तेल मैं जब भी लगाती हूँ तो अच्छे से बहुत भर भर के लगाती हूँ। आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कि मैं कितना सारा लगाती हूँ। और ये जो ऑयल है ना, ये ऑयल मैं बहुत महीनों से यूज़ कर रही थी। ये मैंने तेल ख़रीदा था दिसंबर, तो अभी जुलाई चल रहा है, तो मैं इसको 7-8 महीने तक यूज़ कर रही हूँ रेगुलर। बहुत क्वांटिटी में रहता है, 100 ml है, लेकिन बहुत दिन चल जाएगा आप लोगों का। मेरा जैसे 7-8 महीना चल रहा है, क्योंकि मैं सिर्फ अकेले ही यूज़ करती थी इसीलिए। अगर आप लोगों के हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, वो आप लोगों का ठीक हो जाएगा और नया हेयर आना शुरू हो जाएगा इससे, इस ऑयल से। मुझे सच में ऐसा फील हुआ है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये रिव्यू। ये बहुत ही अच्छा है। ऑनियन यानी कि प्याज जो होता है, प्याज में वैसे ही प्रॉपर्टीज़ रहती भी है कि आप लोगों का जो हेयर फॉल होता है वो कंट्रोल में आ जाए। और भी बहुत सारा चीज़ है इसके अंदर। ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है मेरा ये ऑयल, शायद यही मेरा लास्ट टाइम है। तो मैं इसको लगाने के बाद अच्छे से अपने हेयर में मसाज कर रही हूँ। तेल लगाने के बाद ना, आप लोग अच्छे से मसाज कर लीजिए हेयर में अपने फिंगर टिप से, ताकि जो हेयर आप लोगों ने लगाया है वो अच्छे से अपने हेयर रूट में पेनिट्रेट हो जाए। तो मैं वही कर रही हूँ। एंड उसके बाद हेयर को मैं अच्छे से कॉम्ब कर लूँगी। जो लोग तेल लगाना पसंद नहीं करते, मैं उन लोगों को बोलूँगी कि आप लोग ये तेल एक बार लगा के देख सकते हो, क्योंकि इसमें जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है वो ठीक हो जाता है। अगर आप लोगों के हेयर स्कैल्प में डैंड्रफ या फिर इचिनेस का प्रॉब्लम है, वो भी ठीक हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं मेरा हेयर गिर रहा है, लेकिन बहुत कम गिर रहा है, उतना भी ज़्यादा नहीं। पहले इससे भी ज़्यादा गिरता था, इतना हाथों में आ जाता था, अभी ठीक ठाक गिरता है। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि आप लोगों के दिन में अगर 100 बाल गिरता है तो वो नॉर्मल होता है, ऐसा ही कहा जाता है, वो नॉर्मल है। उसको लेके आप लोगों को टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ना ज़्यादा टेंशन से भी आप लोगों के बाल गिर जाते हैं। तो अभी मैं इसको अच्छे से हेयर को पोनीटेल करके रख दूँगी, क्योंकि ओवरनाइट मैं रखती हूँ। कभी कभार तो मैं 1-2 दिन भी रख देती हूँ हेयर लगा के, वो अच्छा रहता है, हेयर में नरिशमेंट आ जाता है, हेयर सॉफ्ट हो जाता है। जिन लोगों का रफ़ होता है हेयर तेल लगाने से,
आप लोगों का हेयर सॉफ्ट कैटेगरी में आ जाएगा। तो मैं बोलूँगी, रिकमेंड करूँगी कि आप लोग हेयर लगाया कीजिए। तो मैं ऐसे बंद के पूरा ओवरनाइट रख दूँगी, नेक्स्ट डे मैं उसको शैम्पू करके धो दूँगी, वॉश ऑफ कर लूँगी। ओके, थैंक यू, गुड बाय टाटा, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।